सूरतगढ़ से अपने दल के विधायक विनय वर्मा के आवास में बड़ी चोरी हुई है। बटलर पैलेस के B1 में विनय वर्मा का सरकारी आवास है। इस सरकारी आवास में लगातार निर्माण कार्य चल रहा था, इसकी मरम्मत चल रही थी और इसमें चोरों ने धावा बोल दिया। ये लखनऊ का अति सुरक्षित इलाका है, हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र में आता है और मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें कि किस तरह से विधायक विनय वर्मा के आवास में घंटों तक चोरों ने उत्पात मचाया, काफ़ी सारा सामान यहाँ से ले गए हैं। तस्वीरें मैं दिखाता हूँ विधायक के आवास से। ये विधायक के आवास का एंट्रेंस था और ये अंदर जाने का रास्ता है। विधायक के कर्मचारी अनुराग मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं। अनुराग, हमको बताइए चोरी कैसे हुई है, शुरुआत कहाँ से हुई है, चोर सबसे पहले कहाँ से आया है? फ्रंट डोर को नहीं तोड़ा गया, यहाँ ताला बंद था, जैसा कि आपने देखा है। ये ताला, ये दरवाजा बंद था, ये ताला बंद था। चोर जहाँ तक उम्मीद है पीछे से, या पीछे सर्वेंट क्वार्टर से जो है घर में। तस्वीरें दिखाइए कहाँ से आए हैं। अनुराग बता रहे हैं कि चोर पीछे से आए हैं, तो ये आप देखिए विधायक विनय वर्मा का आवास है। ये रंग रोगन हो रहा था, इसमें मरम्मत का काम चल रहा था, ये सारे दरवाजे बंद थे। अच्छा, ये भी बंद था, बंद था ये दरवाजा भी, अंदर से बंद था। ये दरवाजा इस साइड से बंद था और ये दरवाजा बाहर का है, इस साइड से बंद था। ये दरवाजे का शीशा तोड़ के जो है चोर घर के अंदर घुसे हैं। जहाँ तक पूरा ये आवास बंद था, कोई भी यहाँ रह नहीं रहा था, कोई नहीं था उस समय। पीछे बाउंड्री है इसकी, ये क्या ये लगता है चोर इस तरफ से फंद कराए? जी हो सकता है, लेकिन हम लोग के अंतर्गत ही आता है, ये हमारे आवास के अंतर्गत है। और ये गेट लगा हुआ है सबसे पहला जो आने का है, इसको तोड़ करके ये जो गेट है आप देखिए, इसको ये गेट ऐसे बंद था और यहाँ ये कांच लगा हुआ था, इसको तोड़ करके चोर भीतर दाखिल हुए हैं। क्या किस चीज़ से तोड़ा है आप बता रहे थे मुझे अभी? सामान आपका रखा है यहाँ पर काफ़ी सारा, यहाँ फावड़ा बेलचा वगैरह रखा है, तो क्या लगता है से ही जो है तोड़ा? अच्छा, इन्हीं सामान से? जी, किसी भारी सामान से ही तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद कांच के बड़े टुकड़ों को, दो टुकड़ों को यहाँ फेंक दिया गया है और छोटे टुकड़े यहीं बिखरे रहने दिए गए। मुझे 30 तारीख को उस चीज़ की खबर मिली। मैं ये कहाँ का है रास्ता? ये विधायक जी का वॉशरूम है। अच्छा, ठीक है। ये अंदर साइड से ही बंद था जैसे ये है। ये चोरी कब हुई है, जानकारी है कुछ? नहीं, इसी चीज़ जानकारी मुझे मिली 30 तारीख को कि यहाँ पे ये चोरी हुई है। दो हम विधायक जी के दो जो है जानने वाले आए थे यहाँ रहने के लिए, रात बिताने। अगले दिन उनका कांस्टेबल का पेपर भी था। अच्छा। उसके चलते जो यहाँ पे आए, भर्ती परीक्षा में विधायक जी के कुछ जानने पहचानने वाले लोग आए थे। चोर जो है यहाँ से भीतर घुसे थे और इसके हाँ, वो पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए रुकने आए होंगे यहाँ पर, वो देखा होगा उन्होंने, जब भीतर आएंगे तो इसे टूटा फूटा पड़ा है, तो उन्होंने आपको बताया रात 8:30 बजे के आसपास। मुझे उन्होंने इस चीज़ के लिए सूचित किया, तो मैंने अगले दिन 31 तारीख को मैंने कहा कि मैं आता हूँ और मैं इस चीज़ के देखते रहता हूँ। मैंने मना किया कि कोई चीज़ छूएगा नहीं, फिंगरप्रिंट किसी चीज़ पर नहीं मिले, क्योंकि हाथ पानी से शायद गीले थे, इसके चलते किसी भी चीज़ों पर। चोरी यहीं से इस गेट से अंदर आकर के शुरुआत हुई है। सबसे पहले ये जो वॉश बेसिन लगा हुआ है, इसका नल उखाड़ ले गए हैं और इसके नीचे के जो जहाँ से पानी आता है उन नलों को भी उखाड़ ले। जी, उन नलों को उखाड़ लिया गया है। ये दरवाज़ा इस तरफ से बंद था, अंदर साइड से नहीं बंद था, तो बड़ा आसानी हुई होगी जिन चोरों को घुसने के लिए यहाँ से खोल के। इस दरवाजे से चोर दाखिल हुए होंगे भीतर की ओर। ये किसका कमरा है? जी, यहाँ पे गनर लोग सोते हैं, आते हैं। ये दरवाजे का भी खोलने कोशिश की गई, लेकिन उसका हत्था टूट गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पीछे साइड से सुतकनी लगी हुई रहती है, पीछे से बंद था इसलिए खुल नहीं पाया, लेकिन इसका हत्था निकल के बाहर आ गया। फिर इसके बाद कहाँ कहाँ चोरी? अलमारी रखी है, ये ताला कैसे रखा है? ये अलमारी में ताला जो है, विधायक जी के कमरे में ताला बंद था, उस ताले को तोड़ा गया है किसी भारी चीज से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उस पर निशान भी किसी भारी चीज का पड़ा हुआ है, आप उसको आगे से देखेंगे अगर। सामान भी रखा था जी? अलमारी में कोई सामान नहीं था, सामान जो कुछ उन्हें ये उम्मीद थी कि विधायक जी के कमरे में कोई भारी सामान या कोई चीज़ रखी होंगी, जिसके चलते उनका ताला तोड़ा गया है। ये अलमारी भी खुली हुई थी, लेकिन इस अलमारी में भी कुछ नहीं था, जो कुछ था वैसे पड़ा हुआ था। मतलब काम चल रहा था, विधायक जी पूरी तरह सेटल नहीं हुए थे यहाँ पर। ये वॉशरूम में चोरी हुई है, दिखाइए जरा भीतर चलिए। ये मैं देख रहा हूँ नल, ये सब उखाड़ लिए गए हैं। जी, सारे वॉशरूम पे सारे जितने भी टैप थे सारे उखाड़ लिए गए। शावर लगा हुआ था, जो भी काम की चीज थी वो सब उखाड़ ली गई हैं। वॉश बेसिन आप देख सकते हैं जैसा कि तोड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया। इसका भी जो टैप था इसको निकाल लिया, इसको भी निकाल लिया गया है। इसके नीचे के दोनों टैप निकाल लिए गए हैं, वॉश बेसिन टैप निकाल लिया गया है। जी, ये भी टैप इसके भी निकाल लिए गए हैं, कमोड निकाल लिया है। जी, ये भी निकाल लिया गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हैंडल पड़ा है, ये उसी दरवाजे का है जिसका हैंडल टूटा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। खोलने की कोशिश की गई लेकिन टूट गया हैंडल भी दरवाजे का। ये सारे के सारे जो टैप थे, जो कीमती सामान था, और नया नया भी लगाया गया। जी, अभी
अभी नया ही लगाया गया था, उसका कुछ खास इस्तेमाल भी नहीं किया गया था, ज़्यादातर बंद ही था। फिर ये कमरा किसका है? ये विधायक जी का कमरा है, इसका ताला लगा था इसमें, जैसा कि ताला मैंने अभी आपको दिखाया है वो ताला विधायक जी कमरे का, तोड़ के इसको देखिए आप, जैसा देख सकते हैं यहाँ पे निशान भी पड़ा हुआ है किसी भारी चीज़ का, उसको तोड़ के घर विधायक जी के कमरे में। ये सोचिए विधायक विनय वर्मा के आवास की तस्वीरें हैं, सुरक्षा प्राप्त है विधायक को और ये पूरा इलाका भी है सुरक्षित माना जाता है, बावजूद इसके यहाँ जो देख मैं पा रहा हूँ उसके हिसाब से कई घंटों तक चोरों ने यहाँ उत्पात किया है, हर कमरे में जा जा करके जो कीमती सामान था, चूंकि अभी रहने नहीं आए थे विधायक जी तो उनका अपना व्यक्तिगत सामान नहीं था, लेकिन यहाँ जो टैप वगैरह लगे थे महंगे टैप थे वो सारे के सारे निकाल लिए गए। मैं अपने कैमरा सेवक प्रेम सिंह से कहूँगा दिखाएं, वॉश बेसिन यहाँ भी लगा था, इस वॉश बेसिन का नल तोड़ ले गए हैं और इसके नीचे के भी जो टैप लगे थे वो सारे उखाड़ ले गए। तो आप देखिए पूरा जो घर है उसको बहुत तहस नहस किया है, ये देखिए ये सारे के सारे जो टैप है इन सभी को यहाँ से निकाल लिया गया है, ये टैप यहाँ से निकाल लिए गए, गीजर नहीं ले गए, गीजर नहीं ले गए, फॉरेंसिक टीम देखिए बुलाई गई, देखिए आप सब देख सकते हैं कार्बन भी इस पर, ये उनके हाथों के निशान तलाश करने के लिए फॉरेंसिक टीम ने पाउडर वगैरह लगाया होगा जी, लगाया मिला कुछ? कुछ नहीं मिला क्योंकि हाथ गीले थे, उन्होंने बताया जिसने भी चुराया उनके हाथ गीले थे, फिंगरप्रिंट आ नहीं पाया किसी चीज़ पे, सामान ये सब तोड़ ताड़ गए हैं, जो कीमती था जो नया था वो ले जी, सारे सब नए ही लगे थे, बस चोर कुछ चीज़ें भूल गया या क्या कह सकते हैं, और यहाँ पे सामान रखा है ये भी नया था सर, ये सब सामान नए लगे थे, ये सारी चीज़ें तोड़ के छोड़ दी गई हैं। काला काला निशान लगा इस पे क्या फॉरेंसिक वालों ने पाउडर वगैरह लगा के फिंगरप्रिंट वगैरह निकाले हो? फिंगरप्रिंट के लिए इसको जो है इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिले नहीं? नहीं कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, फॉरेंसिक टीम का यही कहना था कि हाथ गीले होने के कारण जो है टंकी भरी थी, हाथ गीले होने के कारण जो है कोई फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं थे। कितने का सामान होगा, कीमत क्या होगी लगभग? कीमत इसकी मैं नहीं कुछ कंफर्म बता सकता हूँ, जैगवार की सारी टोटियाँ लगी थी, जैगवार के सारे शावर वगैरह सारी चीज़ जैगवार की लगी थी, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि सामान कितना महंगा सामान था, कीमती सामान था और हर घर में चोरों ने तबाही मचाई है। फिलहाल मामले की FIR दर्ज करके पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार विधायक के सुरक्षित आवास में और सुरक्षित इलाके में इतनी बड़ी और इतनी देर तक चोरी आखिरकार हुई कैसे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़ लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.